हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये कुशन कवर का डिजाइन बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। डिजाइन बनाने के लिए चार कलर का कपड़ा चाहिए हमें, तो ये मैंने पीस कट कर लिए हैं। सारे पीसेस हमारे सेम साइज के हैं, तो जैसे ये पीस है 3 इंच है यहाँ से, और यहाँ से भी 3 इंच है। 3x3 इंच के ये 6 पीस है व्हाइट कलर के, और 3x3 इंच के 5 पीस है। ये भी 3x3 इंच के 5 पीस है, ये भी 3x3 इंच के 5 पीस है। ये रेड कलर के 2 पीस साइड में रख लेंगे, और ये भी येलो कलर के 2 पीस, और ये 1 पीस साइड में रखेंगे, ये भी 2 साइड में रखेंगे। रेड पीस लेंगे, और ये है ग्रीन पीस, ये इसके ऊपर रखेंगे। 1 पीस ग्रीन और येलो का आएगा, ऐसे दोनों रख लेंगे। उसके बाद रेड और ये येलो आएगा, एक ग्रीन और वाइट इस तरह से रखेंगे। ये येलो एक बचा है और रेड बचा है, तो ये भी हम इस तरह से ऐसे दोनों में लगा देंगे। इसके बाद ये हमारा ग्रीन और वाइट दोनों है, और इनको इस तरह से सेट करना है पीसेस को। ये 2-2 पीस सेट कर दिए हैं। अब यहाँ से हमें मार्किंग करनी है, जैसे ये कॉर्नर है, यहाँ से इस तरह मार्किंग कर लेंगे, और जितना सिलाई के लिए रखते हैं उतना रख के यहाँ पर भी मार्किंग करेंगे, इस साइड में भी। तो ऐसे मार्किंग हो गई है, सभी पीसीस पे इसी तरह मार्किंग करनी है। मार्किंग मैंने कर दी है, अभी सभी पीसीस को हमें सिलना है। जैसे ये साइड की लाइन है, ये सिलेंगे, और ये साइड की सारे पीस इसी तरह सिलेंगे। ये सारे पीस सिल दिए हैं। ये सेंटर की लाइन है, यहाँ से कट कर लेना है सभी पीसेस को। सारे पीस कट कर दिए हैं। अब जैसे ये पीस है, इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पे प्रेस कर लेनी है सारे पीसेस पर। सारे पीसेस प्रेस कर दिए हैं। इसके बाद ये कॉर्नर आ जाते हैं, इन्हें हमें कट कर लेना है सभी पीसेस में से। ये सारे पीस रेडी हो गए हैं। अब ये पीस है, तो ये थोड़े हमारे बड़े हैं, तो जैसे इसमें सिलाई आ गई है, तो इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है, और जो एक्स्ट्रा है वो कट कर लेना है। सारे पीस इसी तरह इसके बराबर कर लेंगे। ये सारे पीस इस पीस के बराबर हो गए हैं। अब इन पीसेस को हमें अरेंज करना है। ये पीस है, इनमें से हमें येलो और ये ग्रीन कलर का पीस लेना है। इन दोनों को ऐसे रखना है, इस तरह से, इस डायरेक्शन में। इसके बाद ग्रीन और व्हाइट पीस है, ये इस तरह से लगेगा, और ये भी हमारा ऐसे लगेगा। ये हमारा इस तरह से बन जाएगा, पत्ते के जैसी शेप। इसके बाद ये पीस लेने हैं 2, रेड और येलो। इसे भी हमें इस तरह से लगाना है, इस डायरेक्शन में। इसके बाद ग्रीन और रेड लेना है, तो ये इस तरह से आएगा। ये भी हमारा इस तरह से, ये पत्ते जैसी शेप हो जाएगी। इसके बाद ग्रीन और व्हाइट लेंगे, ये यहाँ पर लगेगा, ये भी इस तरह से, ये पत्ते जैसी शेप आ जाएगी। अब तीसरी लाइन स्टार्ट करनी है, तो येलो कलर का ये 2 पीस इधर लगेंगे, रेड कलर के 2 पीस है, ये भी यहाँ पर लगेंगे। अब चौथी लाइन लगेगी, तो ये व्हाइट और येलो है, इसे हमें ऐसे बनाना है, इस तरह से, इस डायरेक्शन में ऐसे लगा देंगे। ये रेड और व्हाइट पीस रहा है, तो इसे हमें इस डायरेक्शन में ऐसे लगाना है। ये व्हाइट का इस तरह से वी आना चाहिए, और ये दूसरा है, ये भी हमें इस तरह से लगाना है, इस ऐसे आ जाएगी शेप। ये कॉर्नर है, यहाँ पर ये 2 व्हाइट पीस आएंगे। सारे पीस मैंने लगा दिए हैं। इसके बाद ये जगह खाली है, तो यहाँ पे जितना हमारा आ रहा है उतना पीस लेके यहाँ से देख लेंगे, और यहाँ से तो इतना पीस हमें यहाँ पर लगाना है, और ये पीस यहाँ पर आएगा। इसी साइज के यहाँ पे भी पट्टी आएगी, तो ये पीस इसके बराबर कट करेंगे इस तरह से, और इसको हमें सेंटर से कट कर लेना है। यहाँ पे इतना गैप आएगा, ये गैप आया है। यहाँ पे हमें ग्रीन कलर का कपड़ा लेना है, 1 इंच लिया है मैंने यहाँ से, ये यहाँ पर लगेगा, इसके बराबर आएगा, यहाँ से कट कर लूँगी मैं। पीस सारे लग गए हैं, तो ये 2 पीस हैं थोड़े मेरे गलत लग गए हैं, इसको हमें इस डायरेक्शन में लगाना है ऐसे। ये रेड ऐसे आना चाहिए, ये भी इस तरह से आना चाहिए, तो ये इस तरह से बनेगा।
सारे पीसेस लग गए हैं, अब इनको सिलना है। तो सबसे पहले ये लाइन सिलेंगे, ये पीस इसके साथ सिलना है और फिर इसके साथ सिलेंगे। ये सिलने के बाद ये पीस सिलेंगे, तो ये सारे पीस इस तरह से, ये इसके साथ, ये इसके साथ, जैसे रखे हैं उसी तरह ये लाइन पूरी सिल देंगे। ये लाइन भी सिल दी है। इसके बाद ये हमें चार पीस सिलने हैं, तो ये पीस इसके साथ सिलेंगे और ये इसके साथ और ये इसके साथ, इसी तरह से ये तीनों बीच के सिलेंगे। चारों पीस ये सिल दिए हैं। अब इन पीसेस को हमें इस तरह से इस पीस के साथ सिलना है और ये पीस इस पीस के साथ सिलना है। ये सारे पीस ज्वाइन हो गए हैं। इसके बाद ये साइडों के पीस बचे हैं, इनको हमें इस पीस के साथ सिल देना है यहाँ पर, और ये भी इस तरह सिल देंगे। साइड के पीस भी सिल दिए हैं। अब ये पीस इस पीस के साथ सिल देने हैं। ये सारे पीस ज्वाइन हो गए हैं। इसके बाद ये पीस है, ये पीस इस पीस के साथ ज्वाइन करना है, लेकिन ध्यान रखना है ये कॉर्नर हमारे एकदम बराबर आने चाहिए। पीस ज्वाइन हो गए हैं। अब ये लास्ट वाला रहा है, तो यहाँ पे हमारी सिलाई है और ये इसका सेंटर है। इस तरह से हमें इसे सिलना है, ये सेंटर में आना चाहिए। तो यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई भी लग गई है, तो यहाँ पे अब हमें प्रेस कर लेनी है, जिससे सारे हमारे ये जो सिलाइयाँ हैं एकदम अच्छे से बैठ जाए। प्रेस करने के बाद जैसे ये कपड़ा हमारा इस तरह से थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसे हमें इस तरह से सीधी लाइन लगा के एक्स्ट्रा कट कर लेना है। यहाँ से भी चारों ओर से कट कर लेंगे। ये हमारा फ्लावर का डिज़ाइन बन गया है। तो इस मेजरमेंट में हमारा इस साइड से बना है 11 इंच और इस साइड से बना है 13.5 इंच। तो यहाँ से ये हमारा बराबर नहीं है, ये छोटा है। तो इतनी पट्टी जितना ये है हमारी 2.5 इंच, इतने ही हम यहाँ पर लगा देंगे, तो चारों ओर से बराबर हो जाएगा। तो इतनी चौड़ी पट्टी यहाँ पे मैं लगा दूंगी, इसे हमें यहाँ पर सिल देना है। ये चारों ओर से हमारा बराबर हो गया है। इसका हमारा जैसे ये हमारा बना है 13.5 इंच, तो यहाँ ये हमारा आधा आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, तो 12 या 12.5 इंच का ये कुशन कवर बन जाएगा। फ्रेंड्स, आपको अगर पूरा कुशन कवर बनाना सीखना है जिप वाला या बिना जिप वाला, तो ऑलरेडी मैं चैनल पे वीडियो डाले हुए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। डिजाइन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पे नहीं है तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।